बड़े बैंक SBI की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 67% बढ़कर 7,626 करोड़ रुपए रहा। नतीजों की पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ पूजा त्रिपाठी मौजूद है। पूजा, बताइए कैसे रहे यहाँ SBI के नतीजे? SBI के नतीजे अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले हैं हर फ्रंट पर। NII की बात करेंगे तो वहां पर 11% की करीब बढ़त देखी गई है और प्रोविजनिंग में करीब 66 मुनाफे में करीब 66% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की और हर फ्रंट पर नंबर्स हमारे अनुमान से बेहतर ही दिखाई दे रहे थे। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी गिरावट दर्ज हुई है। ग्रॉस NPA बैंक का 5.3% से घटकर 4.9% आया है और नेट NPA में भी कमी देखी गई, 1.8% से आंकड़ा 1.5% पर आया। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की बात करें तो मार्जिन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और डिपॉजिट और एडवांसेस में भी जो ग्रोथ आई है वो अनुमान के मुताबिक ही थी। डिपॉजिट में 8% की ग्रोथ देखी गई है और एडवांसेस की बात करेंगे तो वहां पर भी 8 से 9% की ग्रोथ देखी गई। कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और इस बार जो सपोर्ट आया है वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स कह सकते हैं SBI ने इस बार घोषित किए हैं और कॉमेंट्री के फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के।